हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक इलेक्ट्रिकल्स। आज हम जानेंगे कि सेंसर क्या होता है और सेंसर में पीएनपी और एनपीएन क्या होता है। आपने सुना होगा पीएनपीएनओ, पीएनपीएनसी सेंसर के टाइप होते हैं। इन सेंसर के टाइप का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है एनपीएन और पीएनपी और एनओ और एनसी, जानेंगे आज डिटेल में। सबसे पहले जानेंगे पीएनपी क्या है। पीएनपी का फुल फॉर्म हो गया पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव तो हमारा हो गया इनपुट सेंसर का, सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए। पॉजिटिव का मतलब ब्राउन वायर, निगेटिव का मतलब ब्लू वायर, और फिर पॉजिटिव का मतलब ब्लैक वायर जो सेंसर का आउटपुट रहता है। सेंसर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं डिटेल में कि सेंसर क्या है। इस वीडियो में हम सेंसर टाइप को जानेंगे। सेंसर टाइप में क्या होता है, पीएनपी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और एनपीएन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, आउटपुट जो रहता है सेंसर का उसका पॉजिटिव रहता है, यानी जो सेंसर से हमको आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव 24 वोल्ट मिलेगा, या 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट मिलेगा। एनपीएन में क्या होता है, जो सेंसर का आउटपुट रहता है उसमें हमको निगेटिव मिलेगा ब्लैक वायर से, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि वो एनपीएन सेंसर रहता है। अलग अलग टाइप के सेंसर अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। जहाँ पे हमें पॉजिटिव का यूज़ करना रहता है वहाँ पे पीएनपी लगाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव का यूज़ करना रहता है वहाँ पे एनपीएन लगाते हैं। अब पीएनपी एनओ क्या होता है। पीएनपी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज। पीएनपी एनओ का मतलब हो गया उसका आउटपुट तो पॉजिटिव रहेगा, और जब उसके सामने कोई मेटल आएगा, जैसे इंडक्टिव अगर सेंसर है तो उसके सामने अगर मेटल या आयरन का कोई चीज़ आता है, यानी वो डिटेक्ट करता है तो आउटपुट देगा एनओ में। जबकि एनसी में क्या होगा, जब उसके सामने कोई पार्ट आता है तो वो आउटपुट को ब्रेक कर देगा, यानी हमको सप्लाई नहीं देगा। और जब एनओ रहेगा, पीएनपी एनओ रहेगा, तो उसके सामने कोई पार्ट आएगा तो वो हमको आउटपुट देगा, और जब एनसी रहेगा तो उसके सामने कोई पार्ट आएगा तो हमको सप्लाई नहीं देगा, यानी जो ब्लैक वायर से हम लोग सप्लाई यूज़ करते हैं वो नहीं देगा। अब जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। ये पीएनपी सेंसर है, पी से पॉजिटिव ब्राउन वायर, एन से नेगेटिव ब्लू वायर, पी से पॉजिटिव ब्लैक वायर, यानी इसका आउटपुट पॉजिटिव हुआ। पीएनपी का मतलब आउटपुट पॉजिटिव हो गया। एनपीएन का मतलब सेम, एन का मतलब ब्लू ब्लू वायर नेगेटिव, पी का मतलब ब्राउन वायर पॉजिटिव, एन का मतलब ब्लैक वायर, आउटपुट जो हमको नेगेटिव मिलेगा सेंसर से, उस नेगेटिव को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई रिले ऑपरेट करा रहे हैं या कोई कॉन्टेक्टर ऑपरेट करा रहे हैं, किसी भी ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, या पीएलसी के इनपुट में दे रहे हैं, किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। और पीएनपी सेंसर अगर है तो उससे पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव भी हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एनओ का मतलब होता है सेंसर डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट देता है, जबकि एनसी का मतलब होता है डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट देना बंद कर देता है, और अगर उसके सामने कोई पार्ट नहीं है तो वो कंटिन्यू आउटपुट देता है एनसी में। केवल इतना समझना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल पर विजिट विजिट करके और भी वीडियो देखें इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए।